अपनी अदायगी से किरदार को जीवंत बनाने वाले 54 वर्षीय अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। कोलन संक्रमण के कारण उन्हें मंगलवार 28 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार 29 अप्रैल सुबह उनके दुनिया से रुखसत होने की खबर आई और दोपहर 3 बजे सुप्रदे खाक कर दिया गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा फिल्म, क्रिकेट व रंगमंच से जुड़ी कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर रिलीज होने के वक्त ऑडियो मैसेज में इरफान खान ने कहा था, मेरे शरीर के अंदर अनवांटेज मेहमान बैठ गए हैं, उनसे वार्तालाप चल रही है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट ने ऐसी करवट ली कि बुधवार 29 अप्रैल को उनके इंतकाल की खबर आई। इरफान खान के परिवार में पत्नी सुतापा सिकंदर, दो बेटे बाबिल और अयान हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।